गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ राजी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हमें जोधपुर में और आज निकल रहे जैसलमेर। सो कल मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया था। दिस इज़ दी होटल जहाँ पर हमने स्टे किया है। सो दिस इज़ दी पार्क डाउनटाउन जोधना और ये होटल है और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है। सो अच्छा खासा होटल मिल गया था हमको। सो एक बार मैं आपको रूम टूर देता हूँ, उसके बाद सीधे निकलेंगे जैसलमेर के लिए। अभी लगेज वगैरह भी टाई करना बाकी है। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो दिस इज अवर रूम। और अच्छा खासा रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टीवी, डबल बेड, एसी भी है, फैन। बस फैन का थोड़ा सा प्लेसमेंट सही नहीं है। एंड दिस इज ए वॉशरूम। और मैं आपको एक बार विंडो से व्यू बताता हूँ। हम एकदम मेन रोड पे रुके हैं। सो देखिए मेन रोड पे ये है। तो इसको बेसिकली एयरफोर्स रोड बोलते हैं। सो चलिए निकले जैसलमेर के लिए। लेट्स गो। सो चलिए अब सीधे मैं आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे। लेट्स गो, चले। ऑल राइट, सो वी आर लिविंग टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन जैसलमेर। चलो जी, हाँ राइट ही लेना। चलो तो आज एक घंटा लेट है। हम 7 बजे निकलने वाले थे, जैसे 6 बजे निकलने वाले थे, बट लेट हो जाते हैं। तो अभी 8 बज चुकी है। 8 बजे निकल रहे हैं। जैसलमेर है यहाँ से 260 किलोमीटर्स। अगर कंटिन्यू चलेंगे तो 5 घंटे लगेंगे कि रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अगर रुक रुक के चलेंगे तो वही राहत ही हो जाती है। जैसलमेर के पहले एक वॉर म्यूजियम आएगा, तो वो देखने का काफ़ी मन है मेरा। आजकल GPS के भरोसे ही चलना पड़ता है, मुझे चल ही नहीं सकता अपन। सब ब्रिज आया अभी और वो सामने दिख रहा मेहरानगढ़ फोर्ट, जहाँ पे हम कल गए थे। एक्चुअली क्या है कि जोधपुर में ज़्यादा घूमने के प्लेसेस नहीं है, कम ही है। और जितने भी है, जैसे कि मैं कल भी गया था उमेद भवन, तो सब प्राइवेट प्लेसेस हैं और इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब कीले विले में घूमने में, अंटिल हमने सुन की हिस्ट्री बहुत तगड़ी के ना हो। अगर हिस्ट्री तगड़ी होती तो फिर मज़ा आता है। बट अब जैसे कल उमेद भवन गए तो वो उमेद सिंह जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ दी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड। बट ठीक है, लास्ट टाइम भी मैं गया था 2 साल पहले, तो देख चुका हूँ मैं। और अभी भी ये उदयपुर से जब हम जैसलमेर गए तो जोधपुर बीच में आता है, नहीं तो मैं कोई और रूट पकड़ के फिर सीधे जैसलमेर जाता। बट ये कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आना कम होता है, जोधपुर जैसलमेर। सो जोधपुर भी अच्छी खासी बड़ी सिटी है। जैसलमेर का रूट एकदम स्ट्रेट। अब आएंगे कौन से रूट से ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर से जैसलमेर लगभग हो जाता है 880 किलोमीटर्स। अब एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, हमको एक जगह पर आते ही टाइम पर रुकना ही पड़ेगा। अगर आप हाफ भी करते 400 किलोमीटर्स, देन 400 किलोमीटर्स, ऐसे करके आना पड़ेगा। एक बार तो रुकना ही पड़ेगा। अब सो मिलिट्री ट्रक्स भी जा रहा है अभी, तो ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे वहाँ पे जैसलमेर साइड। भैया जैसलमेर, जैसलमेर हाईवे कौन है? ये सही है क्या? और ये वाला ये भी सही है, सेम ही है, लेकिन यहाँ से वापस। अच्छा ठीक है, ठीक है, कहीं भूलना मत। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, जी जी जी। बड़ा मजा आता है, क्या बोलते चस्का, शशका शशका एकदम। जो कैमरा लगा दो तो अलग ही हाईलाइट होता। बोलने लग जाओ लोग क्या बाहर से। अब कल तो कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग हमें समझ नहीं रहे थे इंडियन, बार बार आके पूछ रहे थे आ रही इंडियन, आ रही इंडियन। हाँ भाई, खैर होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ ही अक्सर होता है। लोग काफ़ी बार आके बोलते हैं कि आर यू फॉरेनर, आर यू फॉरेनर। हाँ तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब जोधपुर से निकलते निकलते रात हो गई थी हमको, और रात को ट्रैवल किया था हमने पूरा। मज़ा बड़ा आया था। तो दिस इज अ बायोलॉजिकल पार्क, बट अभी ओपन नहीं हुआ है। अगर आना बताओ, इस रोड पे जैसे जो बड़ी बड़ी दीवारें देख रहे हैं ना, तो ऊँची इसलिए क्योंकि यहाँ पे उस साइड में पानी है और लोग सुसाइड कर लेते थे, तो इस वजह से इसे इतना ऊंचा बनाया गया है। हाँ वैसे भी वाले ना, हाँ उनका पूरा एक फार्म बना रखा है। तो देखिए राजस्थान के पास एक ही, एक तो नहीं बोलूँगा एक्चुअली, तो बहुत सारी वैरायटीज है, बट एक स्पेशल चीज़ें हैं। स्पेशल बात वो ये है कि यहाँ की रोड देखिए आप, तो जैसे गांव खेड़े में घूम रहा हूँ, रोड देखिए आप, मेरा एक गड्ढा नहीं है। टटल्स मत रो रहा, ये तो पूरी जर्नी में बोला बेटा इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वाकई में है। ये देखिए कॉर्नरिंग कर रहा हूँ अभी, स्टिल सुनिए आ गया हाईवे। टोल आएगा, तो हम ठहरे बाइकर्स। ₹80 है 4 रुपये का चार्ज, और पोखरा में 759। तो जैसलमेर अभी शो कर रहा है 266 किलोमीटर। तो पता नहीं इनका किलोमीटर का क्या है, वहाँ से बता रहा था 250, बता रहा 266। तो रूट तो एक ही यार जैसलमेर का, हो सकता कुछ और रूट है और मुझे नहीं पता। रोड जितनी बारिश करो उतनी कम है। आपको सही में बाइक चलाने का आनंद लुत्फ उठाना हो, आप आइए यहाँ पर। राजस्थान की रोड इसलिए तो बोलता है द लैंड ऑफ किंग्स, सच में। बार जोधपुर की कचौड़ियाँ रह गई, कचौड़ी नहीं खाई हमने। सभी टोल आया एक और। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मिलिट्री ट्रक्स काफ़ी हैं। से हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके होटल न्यू केसर पैलेस। और बाइक ये सही लग रही है ना, एकदम फुली लोडेड लग रहा है कि अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं। क्या ऑर्डर करना करो ना, इससे मैं देख रहा था साइलेंस से, बट टच तो नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छा सॉलिड ब्रेकफास्ट करके अभी डेली हम आलू के पराठे खा रहे हैं। अच्छा रेस्टोरेंट था न्यू केसर पैलेस, नाइस। द टिपिकल राजस्थानी मैन साफा लगा के। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये लाल वाले स्टोन्स आप कैसे रखें, गिर जाते ये पूरा भी है तो माइन से ये वहाँ से निकलता है। ये कोटा स्टोन ही बोलते हैं शायद इसको। सभी 19 किलोमीटर हो रहे जैसलमेर। सामने पानी है, रेगिस्तान में पानी बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आप जैसलमेर में एंट्री करेंगे सबसे पहले आएगा वॉर म्यूजियम और टैंक्स पड़े हुए। वाओ नाइस। अभी तो भीड़ भी काफ़ी दिख रही है। आई लव इंडियन आर्मी फ्लैग भी लगा हुआ है इंडिया का। सो ये हम जब रिटर्न होंगे उस टाइम पे देखेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि सीधा डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। अर्जुन द्वार है ये मिलिट्री स्टेशन। वाह, यहाँ पर भी पुलिस चेक पोस्ट है। और ये टैंक्स वगैरह रखें, आपको लग जाएगा जैसे ही आप जैसलमेर में एंट्री लेंगे टैंक्स वगैरह देखना शुरू हो जाएंगे। गाइस तो हम जैसलमेर पहुंच गए थे और उसके बाद जैसलमेर से सीधे सैंड ड्यून्स आ गए, सम आ गए। तो अभी मैं सम पे हूँ और व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे एंड कर देते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे मुझे सम में। सो ये अभी मेरे पीछे वो ही देख रहे हैं, हम सैंड ड्यून्स में ही रुके हुए हैं। मेरे सामने हट्स हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग सैंड ड्यून्स व्लॉग। बाय।